केम के कनेटिक्स खत्म हुई, जस्ट उसका अगला लेक्चर एक नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री आपके सामने है। मैं संपूर्ण होशो हवास में ये चीज़ कहता हूँ कि YouTube पे डाले गए हमारे लेक्चर किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है, यह मात्र हमारे चैनल के प्रमोशन के लिए है। इसलिए सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अन्यथा ना लें और ना ही ये सोचा जाए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे कहना नहीं चाहिए वीडियो में, हो सकता है मैं कुछ लोग मुझे गरियाएं भी मैसेज में, नहीं गरियाएं या कि कमेंट में गरिया दें चलेगा, पर मेरी बात पहुंचनी चाहिए, सबके पास पहुंचनी चाहिए कि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो इतना तो कम से कम जाने कि गलत तो मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ। खैर कोई बात नहीं, मेरा ये उद्देश्य था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यद्यपि मुझे टाइम नहीं है ना मैथमेटिक्स का, एक समय आएगा जब मैं वो भी करूँगा। सारा कंटेंट मैं एक अच्छे लेवल पे यूट्यूब पे रखूँ, कारण है इसके पीछे, अगर हम एक बड़ी इंस्टीट्यूट का सपना लेके आए हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो होना चाहिए ना। हमारा नाम लेके आए हैं, किसी का नाम लेके आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असली में अपने कोचिंग की क्या औकात है ये तो सबको पता होनी चाहिए ना, हमारा मटेरियल क्या है, हमारा कंटेंट क्या है। इसलिए जब मैंने शुरू किया था ना चैनल और ये सारी चीज़ें, तो मेरी इच्छा ये थी कि हमारे सभी सहयोगी मेरा सपोर्ट करें, पर इसका कुछ अपोजिट हुआ। खैर कोई फर्क नहीं है उन चीज़ों का, शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत दिल से फील करने वाला भी चैप्टर नहीं, और ना बहुत टफ है कि काइनेटिक्स की तरह ही टफ है, काइनेटिक्स भी यदि टफ नहीं है। हाँ यदि आप पढ़ने के अलावा कुछ और काम करिएगा तो टफ तो लगेगा। आप अगर डेली का होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय 17 बुक्स ढूंढिएगा और आप ये सोचिएगा कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए तो सब कुछ संभव नहीं है, और स्वाभाविक सी बात है क्लासरूम प्रोग्राम और ऑनलाइन में थोड़ा फर्क तो होता ही। खैर सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को भी मिलेंगी, और सरफेस के बाद मेटलर्जी की बात आएगी वो और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। खैर मैं तो पूरा करूँगा ही, अभी नहीं होगा, लगभग साल दो साल में मैं 11th 12th का सारा कंटेंट यूट्यूब पे रखूँगा। आप लोग गरिया रहे होंगे धीरे धीरे कि ये क्या बकवास करना है। खैर चलिए टॉपिक पे आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा खूब बढ़िया जोश के साथ और आराम से फील करिएगा चैप्टर को। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना मतलब का कोई चीज़ आपके कॉन्टेंट में नहीं होगा और मतलब की चीज़ साया भी कोई छूटे, और जो भी छूटते हैं मुझे पता होता है, और जाकर उसे छोड़ा भी जाता है, जब आपको मोटाई चढ़ जाती है तो छोड़ना पड़ता है। इसलिए मोटाई अगर आपको नहीं चढ़ेगी मैं अपने फ्री माइंड से पढ़ा पाऊंगा तो ढंग से पढ़ाऊंगा, अगर परेशान करेंगे मुझे तो फिर दिक्कत तो होगी। खैर सरफेस केमिस्ट्री यद्यपि नाम से ही अपना बखान करती है कि यहाँ पे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, सरफेस की। जब भी इस चैप्टर में हम टिंडल इफेक्ट वगैरह भी पढ़ने वाले हैं तो क्या हम ये भी कहें कि टिंडल इफेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी है, क्या कैसे है, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर में जो आएंगी वो सरफेस की ही रहेंगी। चैप्टर की शुरुआत होगी एक बढ़िया तब बढ़िया एक टर्म आएगा आपके सामने, अधिशोषण एडजॉर्प्शन, एक नया टर्म आपकी लाइफ में
एड जॉब्स। अधिशोषण, यद्यपि हमने एब्जॉर्प्शन खूब पढ़ा है, अवशोषण जिसे हम कहते थे, किसी चीज को अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि एक स्पंज पानी पे रख दो, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे कि उस स्पंज में पानी केवल सरफेस पे है? क्या उस स्पंज में पानी सरफेस के अंदर तक नहीं चला गया? गया है। पानी क्या है? पता नहीं। एक मटेरियल स्पंज किसी दूसरे मटेरियल को अपने ऊपर ले रहा है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या कि जिस मटेरियल को वो अपने ऊपर अट्रैक्ट किया है वह मटेरियल उसके ऊपर ही रह जाए, सरफेस पर ही रह जाए, और या कि सरफेस के अंदर चला जाए। एक मटेरियल ये है और बाहर कुछ और अनाप शराब मटेरियल पड़े। दोस्तों, मान लेते हैं कि सरफेस के पास जादू है खींचने का, कि सरफेस के मटेरियल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मटेरियल्स डायरेक्ट इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? तो सरफेस से होकर ही ना। ऐसा हो सकता है कि इस मटेरियल के पास केवल ये प्रॉपर्टी हो कि जिन मटेरियल्स को वो खींचेगा उनको अपने सरफेस पर ही इकट्ठा करने दे, अपने अंदर ना जाने दे। ऐसी भी संभावना बन सकती है कि इसके पास ये संभावना हो कि ठीक है आओ अंदर भी ले ले, बाहर भी ले ले, सरफेस पे भी ले, मतलब जो हाँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई मटेरियल ये वाला क्षमता रखता है कि वो बाहर के आइटम्स को अपने अंदर ले ले, इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर इस मटेरियल के पास ये वाली प्रॉपर्टी थी कि वो केवल सरफेस पे रखे, तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। कहाँ होता है ये? लिक्विड और सॉलिड में। कहाँ होता है? लिक्विड और सॉलिड। क्या गैस में एडजॉर्प्शन होता है? नहीं। पहला पॉइंट की बात, पहले पॉइंट की बात कि गैसों में एडजॉर्प्शन नहीं होता। कहाँ होता है? लिक्विड और सॉलिड। प्रत्येक लिक्विड और सॉलिड की सरफेस के पास वह गुण होता है कि बाहर के मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। सबके पास होता है, हर लिक्विड के पास, हर सॉलिड के पास। कौन सा गुण? कि बाहर के मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करके वह अगर उसको सरफेस पे ही अक्यूमुलेट करता है तो वह प्रॉपर्टी, वह प्रोसेस एडजॉर्प्शन कहलाता है। और अगर वह एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। खैर, एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए। एब्जॉर्प्शन की हेडिंग में आप देखेंगे इवरी सॉलिड एंड लिक्विड हैव अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट particles from outside and accumulate on its surface। सबके पास ये गुण होता है, सबके पास। Every liquid and solid have a property to attract particles from outside। बाहर से particles को attract करने का गुण इनके पास होता है, और अपने surface पे बिछा देने का गुण भी होता है उसको। This process is called adsorption। इस process को क्या कहते हैं? adsorption।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने रखूं कि जो सॉलिड है, पहली बात तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, गैसों में अधिशोषण नहीं होता, ठीक है। मैं शुद्ध हिंदी में लिखता हूं, नहीं होता कभी भी, गैसों में अधिशोषण कहाँ होता है, ठोस अवस्था में। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा कि प्रत्येक लिक्विड और सॉलिड के पास यह गुण होता है कि बाहर के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, आखिरकार उस लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स ही ना अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब मैं ये क्वेश्चन उठाता हूं कि उस लिक्विड और सॉलिड के कौन से पार्टिकल अट्रैक्ट, जो सरफेस है। यहां भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, यहां भी है, 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 और यहां भी है। क्या एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया में इनका कोई योगदान है? कोई नहीं, केवल सरफेस पे उपस्थित पार्टिकल्स का एडजॉर्प्शन पे योगदान। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले पार्टिकल को ऊपर से एक दबा रहा है, इधर से एक ठेल रहा है, इधर से एक ऐसे, इधर से एक ऐसे, टोटल फोर्स अंदर उपस्थित हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, हर एक पार्टिकल्स को बराबर फोर्स लग रहा है, अंदर उपस्थित हर एक पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है, जबकि सरफेस पर हर तरफ से फोर्स लग जाए, हर तरफ से लग जाए, लेकिन ऊपर वाले तो कुछ है नहीं ना, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होता है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ होता है, और उस नेट फोर्स के कारण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा तेज होता है और दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा तेज होती है, इसलिए ये अपने ओर अट्रैक्ट करता है। नोट जो भी समझ में आया, तो एक और ये जानकारी वाली बात आपको क्या लिखनी है कि सरफेस के पार्टिकल्स केवल एडजॉर्प्शन पे हिस्सा लेते हैं, वनली पार्टिकल्स, वनली वनली पार्टिकल्स, बल्कि पार्टिकल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से लिखिएगा कि केवल सरफेस पे उपस्थित पार्टिकल एडजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। समझ आइए एडजॉर्प्शन, एक छोटा सा मैं ब्रीफ दूं एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का मैं अगर अंतर दूं, पहला तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, कौन सा, ये जो समझ में आया, यहां पे ये वाला होता है और यहां पे ये हर जगह होता है, ठीक। दूसरे में आप लिखेंगे इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज सरफेस फिनोमेना, और ये क्या है, इट इज बल्क फिनोमेना, एक सरफेस की है एक भारी मात्रा में। अच्छा इसका जो रेट है ना वो समय के साथ घटता जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रेट डिक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन का रेट समय के साथ घटता है। शुरू में ज्यादा जगह है, शुरू में ज्यादा जगह है, सबका फोर्स टोटल मिला के खींच रहा है,
कुछ नहीं था यहाँ, तो बहुत सारा फोर्स था। जैसे जैसे वो आता गया तो फोर्स कम होता गया, वो तो फिर उसको भी खींचने लगा, बस समझ रहे हैं। इसलिए जगह खाली नहीं थी, क्या कहें, जगह जगह थी, ज्यादा बढ़िया रेट था, कम जगह है तो ठीक। और ये रेट कांस्टेंट, ये क्या होती है यहां पे रेट कांस्टेंट। ठीक, आप चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हैं। यहां पे एग्जांपल आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है, जिसमें से मैं एक एग्जांपल अभी मैं उसका भी एग्जांपल अलग से ले दूंगा कि अगर आप सिलिका का, सिलिका जेल होती है बहुत बढ़िया, नमी अवशोषित करती है, अवशोषित नहीं करती, अधिशोषित। सिलिका जेल में बढ़िया एब्जॉर्प्शन होता है, तो केवल सरफेस पे अपने लेती है, अंदर नहीं लेती, ठीक है। सिलिका जेल H2O सिलिका जेल के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पे दे रहा हूं, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन का। आप H2O अगर क्रिया करेगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पे बहुत बढ़िया एब्जॉर्प्शन, बहुत, और वो क्रिया करके बनाता है हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2.6H2O फिक्स है ये बनता है। याद रखिएगा इस चीज को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस स्टेट में पानी के साथ क्रिया करता है तो वो एब्जॉर्प्शन है। क्या है एब्जॉर्प्शन, मैं पूछ लेगा ना, ये एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है कि एब्जॉर्प्शन का क्या है, ये एब्जॉर्प्शन बढ़िया सोख लेता है पूरा, और हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में जहां पानी सुखाना होता है वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। बड़े नोट करिएगा इस चीज को बढ़िया, और मैं इसका एग्जांपल और दो तीन दे देता हूँ एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। इसको नोट करिएगा, चार पॉइंट में भैया नोट करिएगा इसको एग्जांपल के लिए। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ और दो तीन, देखिए एग्जांपल ऐसा याद करना चाहिए जो मुझे जिंदगी में भी काम आ जाए। पहली बात तो वही, आप बैग खरीदने जाते हैं, उसमें बढ़िया कुटकी मिलती है, छोटी छोटी दो तीन मिल जाती हैं, किस लिए होता है, जैसे फफूंद फूंद ना लग जाए, कि बरसात के सीजन में पता चला उसमें अंदर से सब गड़बड़ हो गया, है ना। सिलिका जेल सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सिलिका जेल एडजॉर्ब किसको, ह्यूमिडिटी, नमी को। सिलिका जेल, जेल किसको लिखते हैं, सही का GeWL होता है, क्या होता है जी, होता है जो भी है, सिलिका जेल एडजॉर्ब ह्यूमिडिटी, बता ही दिया मैंने, कहीं भी आप नमी हो और सिलिका जेल रख दीजिए तो वो अपने सरफेस पे सबको एडजॉर्ब। दूसरा जब चीनी बनाई जाती है, शक्कर, क्या सोचते हैं बढ़िया जब बनती है तो सफेद सफेद बनती है, नहीं, उसका रंग हटाया जाता है और वो एडजॉर्प्शन होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि शक्कर का डी कलराइजेशन आप सुना, डी कलराइजेशन आप सुना, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर किसका, यूजिंग चारकोल का यूज करके चीनी का रंग उतारा जाता है। चीनी जब बनाई जाती है गन्ने से तो वह पीली पीली होती है, बल्कि और अजीबोगरीब कलर की होती है, उसको चारकोल के सरफेस से बारी बारी से बार बार गुजारा जाता है और चारकोल धीरे धीरे उसका कलर खींचता रहता है और तब तक आप गुजारते जाते हैं जब तक बढ़िया सफेद चीनी प्राप्त नहीं हो जाती है। बढ़िया चीज, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है डी कलराइजेशन ऑफ शुगर किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना।
तीसरा चीज, जहरीली गैसों का अधिक शोषण, डेंजरस 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 गैसेस, जैसे SO2 बहुत डेंजर गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत डेंजर गैस, और भी डेंजर गैसेस, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो अपने लिए थोड़ा सा जरूरी, नाइट्रोजन भी डेंजर ही है ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी है डेंजर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड डेंजर ही, क्या काम है इट जॉर बाय गैस मास्क, गैस मास्क नाम का याद रखिए, क्या डालन करेंगे इस चीज को, पूछा जा चुका है बहुत बार, दो तीन बार मैंने अपने बोर्ड में देखा है और शायद कहीं हमने कंपटीशन में भी देखा है इसको, गैस मास्क पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जहरीली गैसों को अपनी सतह पर अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है, आप कोल माइंस में चले जाइए, नीचे जो लोग रहते हैं वो एक मास्क पहने रहते हैं, वो ये वाला मास्क नहीं होती है जो कोरोना से बचने के लिए लगाया जाता है, उस पर चारकोल का एक परत होता है, वो चारकोल, उसको एक्टिवेटेड चारकोल होता है, उस चारकोल इन गैसों को अपनी ओर अधिशोषित कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को पास होने देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं और तीनों में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, नोट करिए, दो चीज एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या होता है, एक होता है एड्जॉर्बेट और एक होता है एड्जॉर्बेंट, हमने कहा कि एक ये सरफेस है जो उत्तेजित है अपनी ओर खींचने, किसको, हमको खींचने, कोई खींचने, एक ये सरफेस मतलब ये बाहर पार्टिकल्स जैसे, मान लेते हैं ये नमी, मान लेते हैं ये क्या है, नमी है, मान लेते हैं ये ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी, और मान लेते हैं कि ये सिलिका जेल है, मान लेते हैं ये सिलिका जेल है, क्या नमी सिलिका जेल को अपनी ओर खींचेगी, सिलिका जेल खींचेगा, तो जो अपनी ओर खींचेगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट, उल्टा कहते हैं एडजॉर्बेंट, जो अपनी ओर खींचेगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट, और जो खींचेगा, जिसको खींचेगा ये कहलाएगा एडजॉर्बेंट, जिसकी सतह पर अधिशोषण होगा उसे कहेंगे अधिशोषक, और जिसका अधिशोषण होगा उसे कहेंगे अधिशोष्य, ठीक है, एक बार फिर से, जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा उसे कहेंगे एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होगा उसे कहेंगे एडजॉर्बेंट, जिसका एडजॉर्प्शन, और ये है जिस पर, जिसके सरफेस पर, दिख रहा है कब, दिख रहा है, क्लियर बात एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की, जो बड़ी सरफेस रहेगी वो एडजॉर्बेंट हो जाएगी, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो आके अट्रैक्ट होंगे उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट, ठीक है, हाँ बताइए भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मास्क की सतह पर एडजॉर्ब होती है, इसमें क्या है एडजॉर्बेंट और क्या है एडजॉर्बेट, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एडजॉर्बेट, गैस मास्क, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
आप हेडिंग लेंगे बढ़िया हेडिंग बोर्ड के हिसाब से भी कंप्लीशन के हिसाब से फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारक जो है वो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट के नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे एडसॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन प्लेटिनम सरफेस काहे के सरफेस प्लेटिनम सरफेस क्या प्लेटिनम सरफेस पे हाइड्रोजन के अलावा किसी और का एडसॉर्प्शन होगा उतना बढ़िया नहीं। प्लेटिनम सरफेस पे या करिए हमने SHE पढ़े थे वहां भी हमने प्लेटिनम का यूज किया इलेक्ट्रोड के रूप में। तो प्लेटिनम एक एडसॉर्बेंट है, H2 एक एडसॉर्बेंट है, एक फिक्स एडसॉर्बेंट के लिए हमने प्लेटिनम को फिक्स कर लिए और तरह तरह की गैसेस दौड़ा दी उसमें। तो जितना बढ़िया एडसॉर्प्शन H2 का होगा उतना बढ़िया एडसॉर्प्शन और गैसों का, मतलब हर एक फिक्स एडसॉर्बेंट के लिए एक बेस्ट एडसॉर्बेंट होता है, पता ही? एक फिक्स एडसॉर्बेंट के लिए एक बेस्ट एडसॉर्बेंट होता है, एक फिक्स एडसॉर्बेंट के लिए एक बेस्ट एडसॉर्बेंट होता है, एक फिक्स सरफेस के लिए एक बेस्ट मटेरियल होता है जो कि आके उस पे सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाए, ठीक है? इसलिए नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट ये भी भाई दोनों सतह इंपॉर्टेंट है। आपकी समझदारी आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको जाके चिपकना है चिपकने चिपकाने की प्रक्रिया के लिए दोनों का राजी होना आवश्यक है। अगर दोनों की कहां पहुंचे अगर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों अच्छे हैं मजा आ जाए, एक तैयार है एक नहीं तैयार है कम मजा आए, मतलब कम अच्छे से प्रक्रिया संपन्न होगी एडसॉर्प्शन की, है ना? वही चीज है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट दोनों मुद्दे की बात है कि एडसॉर्प्शन अच्छा होगा या नहीं, है ना? समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूं भाई, चारकोल वाला लेते हैं, एडसॉर्प्शन ऑफ SO2 ऑन गैस मास्क, क्या गैस मास्क के अलावा हमने गैस मास्क का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल इसमें इंपॉर्टेंट, गैस मास्क तो डिवाइस का नाम हो गया, इसमें मुद्दा कौन है? एक्टिवेटेड चारकोल मिलाया गया, तो क्या जितना बढ़िया चारकोल अधिशोषित जितना बढ़िया चारकोल एडसॉर्ब करेगा SO2 को क्या कुछ और कर सकता है? अगर करता होगा तो उसी को लगा देते, काहे हम चारकोल को लगाते? चारकोल बेस्ट एडसॉर्बेंट है किसके लिए? SO2 के लिए, समझ रहे हैं? क्या जितना बढ़िया चारकोल से डिकलराइजेशन होगा कुछ और कर सकता था? अगर करता हो तो उसी से करते, हाँ सस्ता महंगा एक मुद्दे की बात है कुछ हद तक, बात समझ रहे हैं? तो दोनों का नेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरी बात सरफेस केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने ये चीज कहा सरफेस एरिया डिपेंड करेगा,
कैटलिस्ट अगर पाउडर फॉर्म में हो तो मजा आ जाए, कैटलिस्ट अगर पाउडर फॉर्म में हो तो बढ़िया है, ठीक है। आप यहां पे क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैसे लिखोगे, इफ अरे कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म टेंस, टेंस मोर ऑप्शन, ऐसा मतलब अगर कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में है तो ज्यादा बढ़िया एड ऑप्शन यार, कोई चीज ऐसा कितना बड़ा है छोटा सा है उसका सर्विस एरिया कम है, पीस दो फैला दो एक किलोमीटर में सरफेस एरिया ज्यादा है उसका। अच्छा कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, कभी ना जाना कोई पूछ ले कैटलिस्ट क्या करता है, वो तो काम है उसका, रिएक्शन को बढ़ा देता है घटा देता है ठीक है, लेकिन मैं फंक्शन बीच वाला क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, बढ़िया पाउडर फॉर्म रहेगा सरफेस एरिया ज्यादा होगी एडजॉर्प्शन ज्यादा, क्लियर है, ठीक है, ठीक ही होना चाहिए। एक और मुद्दे की बात, क्वेश्चन आया है यहां से क्रिटिकल कंपोनेंट, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा ना उस पर बढ़िया ऑप्शन, एक गैसेस के लिए बात कर रहा हूं, गैस के लिए ऑप्शन होता है लिक्विड्स की, एक्चुअल में गैसेस बाद में लिक्विड आ जाती है, गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है ना, जब तक गैस था तब तक उस पे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गैस को हमने लिक्विड में चेंज किया तब तो होगा, तब तो होगा, होगा कि नहीं, हमने कहा था एडजॉर्प्शन की डिफिनेशन में भी हमने कहा कि लिक्विड और सॉलिड के लिए होता है, अगर गैस है तो गैस में तो एडजॉर्प्शन संभव नहीं, लेकिन गैस को लिक्विड में तो बदला जा सकता है ना, एलपीजी आपके सामने बढ़िया उदाहरण, अब बताइए एलपीजी में एडजॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि लिक्विड है वो, गैस है तो क्या हुआ उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है, मान लो कोई पूछ लिया कभी एलपीजी में होगा, होगा लिक्विड पे होता है, अरे वो गैस है तो क्या हुआ उसका स्टेट क्या है, तो हम ये कह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर में वो गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर की हेडिंग आप बल्कि लिक्विडेशन लिख लीजिए, लिक्विडेशन ऑफ गैस, तब आपको अच्छा समझ में आएगा, लिक्विडेशन ऑफ गैस तो मैं ये कह रहा हूं कि जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई, जब तक लिक्विड नहीं बनेगी तब तक तो एडजॉर्प्शन संभव है नहीं, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विड बन जाएगी उस पर उतना बढ़िया एडजॉर्प्शन होगा, तो क्या आप समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि गैस में एडजॉर्प्शन होगा, नहीं मैं क्या कह रहा हूं ध्यान सुनिए, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विड बन जाएगी उस पर उतना बढ़िया एडजॉर्प्शन होगा, कब, कब लिक्विड बनने के बाद, कब लिक्विड बनने के बाद, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विड बन जाएगी उस पर, क्वेश्चन बना है इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पर पूछा जा चुका है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्वेश्चन बना, क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए, गैस, याद रखिएगा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा वो गैस उतनी बढ़िया उतनी जल्दी लिक्विड, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, गैसेस मैं डायरेक्ट ऐसा कह रहा हूं, बल्कि मैं पहले तो ऐसे लिख देता हूं, गैसेस हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, विल हैव मोर एडजॉर्प्शन आफ्टर लिक्विफाइंग, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर,
गैस के पास जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस पर उतना बढ़िया एडजॉर्प्शन होगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वैन डेर वाल्स इक्वेशन के अनुसार एट अपॉन सफाई आदि होता है? ए क्या है? ए क्या है? वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और ये डिपेंड क्या क्या डिनोट करता है? ए आप गैसे स्टेट पर क्या है? ए क्या है? अट्रैक्शन को क्या करता है? वो अट्रैक्शन को डिनोट करता है। तो अगर टीसी ज्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से क्या ज्यादा होगा? ए मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और इस हिसाब से एडजॉर्प्शन, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जल्दी लिक्विड, इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? जल्दी लिक्विफाई होगा। और जल्दी याद रखिएगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा और उतनी बढ़िया वो लिक्विफाइड होगी। ठीक है, उतनी बढ़िया लिक्विफाइड होगी और जितनी बढ़िया लिक्विफाइड होगी उतना बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, अध्ययन करेंगे अलग से उसको, इसलिए मैं टेम्परेचर और प्रेशर का पॉइंट यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। मैं अलग से टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन मैं अच्छे से लिखूंगा उसको। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके कि रिलेट क्या करना, मतलब पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन सही में भी, इसलिए बता देना जरूरी था। तो आप बल्कि दो चीज की हेडिंग लेते, एक हेडिंग ले थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, याद रखिएगा क्वेश्चन जे का आ चुका है यहाँ से, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। रटे हैं आपको, रटे हैं इनका एंथैल्पी नेगेटिव, इनका एंट्रोपी नेगेटिव, इनका डेल्टा जी नेगेटिव के ऑप्शन है, तो सब कुछ सही है, कैसे समझते हैं? रटना बहुत अलग चीज होता है, आप रट लेंगे बिल्कुल रट लेंगे, पर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि आप फेल करिए चीजों को। जो उम्मीद है अभी तक एडजॉर्प्शन और अभी तक सरफेस केमिस्ट्री आपको बढ़िया फील आया है। एडजॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है ना वो स्पॉन्टेनियस है, पहला पॉइंट प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या समझते हैं ये चीज? मतलब एडजॉर्प्शन होने के लिए बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं है। पढ़े थे हम, कहाँ पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में साथ, यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे या केमिकल एनालिसिस में पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े। ठीक है, डेल्टा जी सेल लोड निकालने के लिए, ठीक है, हमने वहां भी स्पॉन्टेनिटी पढ़ा था और वहां भी हमने ये बात कहा था कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो होने के लिए बाहरी फोर्स की आवश्यकता ना, तो एडजॉर्प्शन होने के लिए बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता है। और याद कीजिएगा कि हमने स्पॉन्टेनियस निकालने का एक तरीका देखा था कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, एक सी बात देखा था तरीका, डेल्टा जी निगेटिव एरिया पी से डेल्टा जी इक्वल टू, याद है कुछ? हाँ, क्या डेल्टा जी निगेटिव क्यों? डेल्टा जी क्या है ऑप्शन सी? डेल्टा जी निगेटिव क्यों? तो स्पॉन्टेनियस जी निगेटिव क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते होंगे तो ये समझते हैं। क्या दूसरा चीज? एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्यों भैया ऐसा काम हो गया कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गया?
एंट्रापी है क्या? एंट्रापी है क्या? गड़बड़ी की मात्रा, किसी चीज में अव्यवस्था की मात्रा ही तो एंट्रापी है। तितर बितर इधर उधर उधर फैले हुए तो एंट्रापी। अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, ये एक आइटम था जिसपे एडजॉर्प्शन होना है और ये आइटम है जिसका एडजॉर्प्शन होना है। एक आइटम यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ये सब जाके सरफेस पे बढ़िया चिपके। अगर मैं इस टोटल सिस्टम की बात करूं, तो क्या ज्यादा अव्यवस्था है अभी? इधर इधर उधर आप सोच के देखिए, कि आफ्टर एडजॉर्प्शन, के बाद जब बढ़िया ये सरफेस पे ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो क्या यहां पे गड़बड़ी की मात्रा कम है? अव्यवस्था यहां पे ज्यादा थी या यहां पे? यहां पे अव्यवस्था की मात्रा ही तो एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी यहां पे ज्यादा थी या यहां पे? मतलब एडजॉर्प्शन के बाद एंट्रोपी घटी है। एंट्रोपी घटी है का सीधा मतलब व्यवस्था अव्यवस्था घटी है। समझ आई बात? कैसे 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 एंट्रोपी घटी? अव्यवस्था घट गई ना, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, टोटल सिस्टम की बात करें तो रैंडमनेस जिसे कहते हैं ज्यादा थी। बढ़िया सरफेस पे सुसज्जित होने के बाद अव्यवस्था घट गई, और अव्यवस्था घट गई का दूसरा मतलब ही तो है एंट्रोपी घट गई। ठीक है, हम कह रहे हैं डेल्टा एस नेगेटिव। हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा एस नेगेटिव। और आश्चर्य की बात कि एंथैल्पी भी नहीं। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी भी है। एंथैल्पी कैसे कैसे आप जानते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जानते हैं फॉर्मूला तैयार हो? यहां से हम डेल्टा एच लेके आते हैं, कितना हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। यार डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा एच भी निगेटिव मिला के क्या होगा? निगेटिव। अच्छा, डेल्टा एच निगेटिव का क्या मतलब समझ? रिएक्शन यही चीज है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पता नहीं कौन कौन थर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बॉन्ड बन रहे हैं या टूट रहे हैं? बन रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हो ही रहा है, वो पार्टिकल आके वहां पे जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। बात क्लियर है? समझ आई बात? इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, बने रहिए हमारे साथ, मोटाइए नहीं। वीडियो को देखिए, आराम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।